आज का वीडियो मैंने सोचा है मैं हिंदी में करूँगी। आज सुबह मैंने द वायर पर हीना की स्टोरी देखी, पंजाब की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर। करीब एक साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब सीएम बने। उन्होंने काफ़ी प्रॉमिसेस किए थे। उन्होंने कहा था कि वो ड्रग प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, जॉब्स, एग्रीकल्चर, इन सब पैरामीटर्स पे, इन सब प्रॉमिसेस पे वो पूरी तरह अमल नहीं कर पाए हैं। पहली बात, उन्होंने ड्रग प्रॉब्लम के बारे में कहा था कि वो उसे 4 हफ्तों में सुलझा देंगे, वो नहीं हुआ है। ऑल्सो पंजाब की जो ड्रग प्रॉब्लम है वो बाकी भारतीय प्रदेशों से बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट 3 गुना ज़्यादा है। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि हर घर रोज़गार, ये कैंपेन चलाया था, तो इसमें उन्होंने कहा था कि जो पंजाब की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है कि जो पंजाब का यूथ है बिटवीन 19 to 24 ईयर्स, उन्हें सूटेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हर घर में जो इस एज ग्रुप में इंडिविजुअल होगा उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, वो भी नहीं हुआ है। और जिन लोगों को नौकरी मिली है वो उस नौकरी से खुश नहीं है क्योंकि पे बहुत कम है और शायद उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से भी वो नौकरी नहीं है। तीसरा, पंजाब का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। 1966 से, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय से, हर साल जो टारगेट होता है पंजाब उसे एक्सीड करता है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 17 से 20 सालों में करीब 16,000 फार्मर्स ने पंजाब में आत्महत्या की है। और इसका कारण ये रहा है कि वो अपना ब्याज, अपना डेट नहीं वापस कर पाए हैं। और इसमें से मेजॉरिटी, ज़्यादा संख्या में वो फार्मर्स हैं जिनका जिनकी ज़मीन बहुत छोटी है, ये लार्ज फार्मर्स नहीं हैं। ऑल्सो जॉब्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। हाँ, पिछले साल मैंने दिल्ली में पिक योर फ्लिक इंडी फिल्म फेस्टिवल में एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसका नाम था शायद रनअवे बॉयज़, जो पंजाब के बारे में थी कि पंजाब की जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो इतनी ख़राब है कि जो नौजवान होते हैं हर फैमिली के, वो जल्द से जल्द यही कोशिश करते हैं कि वो कनाडा चले जाएँ और वहाँ एम्प्लॉयमेंट ढूँढें। तो अभी पंजाब ने प्रकाश सिंह बादल के शिरोमणि अकाली दल को ना वोट देकर, ना पावर में लाकर, कांग्रेस को और कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक मौका दिया था। अब अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो जनता शायद खुश तो नहीं होगी उनके साथ। अगर आप पूरी कहानी डिटेल्स में और अंग्रेज़ी में देखना चाहते हैं तो वायर की स्टोरी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।